हेलो नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और सवाल लेके। एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है जिनका योगफल 7 है। यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए तो अंक उत्क्रमित हो जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करना है, मतलब यदि अपन जब घटाएंगे ना तो 2.5 वाला है वो इकाई वाला बन जाएगा और जो इकाई वाला है वो 2.5 वाला बन जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना संख्या की अंक एक्स और वाई है। ठीक है, अब दिया है अपन को इनका योग कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, अब इस प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है कि 9 घटा दिया जाए। संख्या क्या होती है, 2.5 में कितना होता है 10 और इकाई में होता है 1। में यदि क्या घटाना है, 9 घटाना है तो इसके अंक उलट जाते हैं, मतलब इकाई 2.5 में चला जाता है। तो मतलब यदि इकाई 2.5 में चला गया और 2.5 इकाई में आ गया, ठीक है, ये हो जाता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। टेन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर 9। पक्षांतर कर दिया, ठीक है, अपन ने पक्षांतर पक्षांतर कर दिया। अब इसके आगे देखते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। ये बचेगा 9x माइनस 9y बराबर 9, एक्स माइनस वाई बराबर 9। कोष्टक 9 बाहर निकालेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 1। ठीक है, अब इसको समीकरण अपन दे देते हैं 2, और ऊपर वाले प्रश्न को दे देते हैं समीकरण 1। अब समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, इसे अब जोड़ते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो जोड़ेंगे अपन तो माइनस एक्स बाय एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 8 और x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, x बराबर कितना मान आ गया 4। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में 4 बराबर x का मान रखने पर ठीक है, मान रख देते हैं अपन। समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इन दोनों का योग कितना था 7 था, तो x का मान 4 हो गया, y यही फिर 7, y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर हो गया 3 और x बराबर हो गया 4। मतलब संख्या क्या बन जाएगी, अपन ने 10x प्लस वाई माना था ना, तो ये हो जाएगा, ये कितना था 40, 4 गुणित 10 प्लस 3 बराबर 43, 43, 43, ये इसका आंसर हो जाएगा।